ये जो भाव वाला पोर्शन है, पहले लेयर में जब बिल्डिंग को शुरू करते हैं, चुप बताया, पहले लेयर में जब हम बिल्डिंग शुरू करते हैं तो फ्रॉग को हमेशा ऊपर रखा जाता है, और इस तरह से हम इनको प्लेस करते हैं, यानी फ्रॉग ऊपर बाकी फेजे नीचे। लेकिन जब आपकी चिनाई कंप्लीट हो जाए, इस फ्रॉग को इधर ऐसे उल्टा करते हैं, उसमें मसाला भर के उल्टा रखा जाता है, यानी चिनाई के सबसे टॉप फेज पर फ्रॉग किधर होगा, मतलब जहाँ चिनाई खत्म करनी हो, इसके बाद फ्रॉग को ऊपर नहीं रखा जाता, किधर रखते हैं, नीचे। ये तो बातें बाद की है, अभी कुछ काम की बात है, पहले वो कर ले। पहले काम की बात कर ले, फर्स्ट क्रम आता है मेथोलॉजी में, पहला क्रम आता है फेस या फेसिंग, दूसरा आता है बैक या बैकिंग। अभी ध्यान से सुनो, पहला क्रम है क्या, फेस या फेसिंग। फेस या फेसिंग की बात की जाए तो जब किसी चिनाई में आप जहाँ खड़े हो, अभी तो का अरेंजमेंट मत देखना, सिर्फ जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो सुनना। जब किसी चिनाई में देखें तो सामने से खड़े होने पर, मतलब आउटर वॉल की तरफ से, जो ये पहला फेस दिखता है, इसी फेस को बोलते हैं फेसिंग। क्या बोलते हैं? फेसिंग। और फेसिंग पर जो मटेरियल आपने प्रयोग किया है, देख लो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जब कोई चिनाई हम शुरू करते हैं तो चिनाई में सबसे पहला जिधर आप खड़े हैं, जिधर खड़े हैं मतलब किधर खड़े होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम आउटर साइड खड़े होते हैं, किधर, आउटर साइड से जो ये पहला सोर्स मतलब फेस दिख रहा है, ये टर्म दिख रहा है, ये जो आपको सतह दिख रही है, वर्टिकल सतह दिख रहा है, इस सतह को बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? और जिस मटेरियल का इसे बनाया गया है इसे बोलते हैं फेसिंग। क्या बोलते हैं? अभी ध्यान से बात सुनते चलो, दूसरा ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, जस्ट इसके अपोजिट ये वाला सरफेस भी तो होगा, इस सरफेस को हम नाम देते हैं बैक। जिस मटेरियल का इसे बनाते हैं उसे नाम देते हैं बैकिंग। अब एक नया टर्म आता है, फेस और बैकिंग तो समझ गए, एक नया टर्म आता है हर्ट। क्या टर्म आता है? और हर्टिंग। क्या टर्म आता है? हर्ट या हर्टिंग। ऐसा होता है जब चिनाई की दीवार एक ईंट से ज्यादा मोटाई की हो, किसी को समझ नहीं आ रहा एक ईंट की मोटाई कैसी होती है, ईंट को रखो ऐसे, कितने ईंट की मोटाई है, एक ईंट की, एक ईंट की मोटाई है ना। जब कभी दीवार एक इंच से ज्यादा मोटी हो और दीवार को बीच में हॉलो बनाया गया हो, हॉलो समझते हैं खोखला, तो यहाँ दोनों दीवार के फेस और बैक के बीच में गैप होगा। क्या होगा? गैप। इसी गैप को हम लोग नाम देते हैं, इसी गैप को नाम देते हैं हर्ट। क्या नाम देते हैं? और दीवार में इसको भरने के लिए कभी कभी हम ईंट के कत्तर, रोड़ी, पत्थर, इनको में फिल कर देते हैं, इसे बोलते हैं हर्टिंग। क्या बोलते हैं? हाँ, यह वह पोर्शन है जहां से दीवार दो अलग अलग फलकों में फटकर अलग हो सकती है, तो आप इसे नाम देते हैं क्या? हर्टिंग नाम देते हैं। अभी हर्ट, हर्टिंग, फेस, बैक और फेसिंग और बैकिंग, क्या ये टर्म क्लियर हुए? नाउ नेक्स्ट वन, अगली बात करेंगे, अपना अगला टर्म है कोड।